अगर कल किसी बुजुर्ग के पैर छुए थे जिन्होंने आशीर्वाद दिए थे जीते रहो, तो कल हम जीते ही नहीं जीतते भी रहे। वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया, मेंस क्रिकेट टीम ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को हराया, और क्या जबरा हराया यार। नो वंडर दोनों ही जीत में सेम फीलिंग, इक्वल सुकून मिला हमारे दिल को। मतलब ऐसी शानदार जीत जबकि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह साथ ही रोहित शर्मा नहीं है टीम में, लेकिन फिर भी एक भी चीज ने हमें निराश नहीं किया, सब कुछ रहा एब्सोल्युटली परफेक्ट। इस मैच के जो हीरोज, इनकी तरफ एक नजर, अभिषेक शर्मा, इनको खेलते हुए देखकर जो एक्साइटमेंट रहता है, खून बढ़ जाता है, वही देखा। 7 बॉल में 16 रन, मतलब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलना इनकी हॉबी है, और वही तो दिखाई पड़ा। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखना, ये नेक्स्ट मैच का इंतजार करेंगे हम। कप्तान स्काई, मतलब 14 बॉल में 29 रन, उनके विभिन्न सुपला शॉट्स के अवतार देखने को मिले, मजा ही आ गया। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में कमाल करके फिर ब्रेक से जो वापस आए हैं, कल हर किसी की उन पर नजर थी, और उन्होंने भी कहा देखते रहना मुझे। 16 बॉल में 49 रन, 240 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट इनका, और जब बॉल लेकर आए तो 4 ओवर में यही कोई 26 रन देकर एक विकेट ले ली। कंप्लीट परफॉर्मर हार्दिक पांड्या। जश्न का माहौल तो संजू सैमसन के फैंस की ओर से रहा, ओपनर के तौर पर आए और फाइनली रन भी बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जबकि इस मैच में एक नहीं दो डेब्यूटेंट्स नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, जिसका हर किसी को इंतजार था, मयंक यादव की डेब्यू मैच। और देखा ना, बांग्लादेश के इंटरनेशनल प्लेयर्स डरे हुए थे, कारण था मयंक यादव। जब पहली ओवर इन्होंने डाली, मेडन डाल दी, उनकी गति को देखकर बांग्लादेशियों को गेंद नहीं बम गोले आते हुए नजर आ रहे थे, वो हाथ लगाने से भी कतरा रहे थे। और दूसरी ही ओवर में उन्होंने विकेट भी चटका ली। बुमराह की एक्यूरेसी, ब्रेटली की स्पीड इज इक्वल टू मयंक यादव, ये वाले मीम्स, साथ ही उमरान मलिक शोएब के साथ कंपेयर करना छोड़ो यार, ये बताओ मजा आया कि नहीं। मयंक यादव की बॉलिंग देखकर जो फीलिंग आई, जरूर से कमेंट करें। अर्शी, ये तो बांग्लादेशियों को देखकर बॉर्डर के सनी देओल बने हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती अप्लॉड वर्दी जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, मतलब 3 विकेट चटका के प्रूव कर दिया कि कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद वापस आए हूं, पुनर्जन्म जैसी फीलिंग लग रही है। ओवरऑल हुआ क्या मैच में, भारत ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का डिसाइड किया और खटाखट इनकी विकेट्स गिरा दी हमने। पहली ओवर में जो विकेट दी थी बांग्लादेशी, हमें रोक ना पाए, फिर साइकिल स्टैंड में जैसे एक साइकिल गिरने के बाद कैसी सारी साइकिलें गिर जाती है, बस ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए थे सारे। 127 रन में ऑल आउट रहे बांग्लादेशी, बोलो 200-220 वाला जो ग्राउंड है और बने कितने, 127 रन। टेस्ट क्रिकेट वाला बिगड़ा हुआ इनका फॉर्म ये जारी रहा, और 11 ओवर 5 गेंदों में 132 रन बनाकर हमने ये मैच जीत ली। मतलब टारगेट को आराम से अचीव कर लिया, वो भी 7 विकेट से हमारी जीत, पूरी तरह से कंप्लीट हमारी टीम भारत। बैटर्स और बॉलर्स कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही, जोरदार वाली हमारी टीम इसको नजर ना लगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।